नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 अक्टूबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि वालों के लिए 10 अक्टूबर का ये दिन कैसा रहेगा, किन चीज़ों में आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और किन चीज़ों में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, नौकरी करियर व्यापार पारिवारिक जीवन प्रेम जीवन आपके रिश्तों को लेकर आपकी सेहत आपकी आर्थिक स्थिति, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहां आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको तुला राशि की वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मित्रों, अपने कीमती समय से एक सेकंड का समय निकाल कर इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना ना भूलें। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 10 अक्टूबर के तुला राशिफल के बारे में। देखिए, हमारा ये राशिफल चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा के आधार पर हम जानेंगे 10 अक्टूबर 2020 का दिन आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है, आज के दिन आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, क्या क्या शुभ समाचार मिलेंगे, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। नौकरी करियर व्यापार पारिवारिक जीवन प्रेम जीवन, क्या क्या बड़ी घटनाएं आज आपके साथ घटने वाली हैं, आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। मित्रों, 10 अक्टूबर को कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, पुनर्वसु नक्षत्र है, शिव नाम का योग बनेगा जो आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। शनिवार का ये दिन है, चंद्रमा भी आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं। चंद्रमा मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और ये गोचर होगा सुबह 7:08 पर, जब चंद्रमा मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि सूर्य कन्या राशि में ही विराजमान रहेंगे। मित्रों, आज का राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:14 तक। इस समय आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें, जबकि आज का अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:13 से लेकर दोपहर 2:40 तक। इस समय आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, ये समय शुभ है। मित्रों, ग्रह नक्षत्रों का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। देखिए, जब भी कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है तब उसका सकारात्मक प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है और कुछ चीज़ों में हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि देखिए हर एक दिन एक जैसा कभी नहीं होता। कोई दिन ऐसा होता है जो हमारे लिए शुभ समाचार की प्राप्ति लेकर आता है, तो कभी कोई दिन ऐसा होता है जब बहुत सी चुनौतियां हमें बरतनी पड़ती हैं। कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी घट जाती हैं जो हमें जीवन भर याद रहती जाती हैं। कुछ घटनाएं अच्छी होती हैं तो कुछ घटनाएँ बुरी होती हैं। तो कोई दिन अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। ग्रह नक्षत्रों का जब भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है तो देखिए अच्छा भी पड़ता है और बुरा भी पड़ता है। ग्रह नक्षत्रों का बदलाव परिवर्तन हमारे दिनचर्या में जो बदलाव करता है, तो यहाँ पर ग्रह नक्षत्रों का बुरा असर आपके ऊपर ना पड़े, इसलिए प्रत्येक वीडियो में मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बताता हूँ। इस वीडियो में भी अंत में मैं आपको एक उपाय बताऊँगा जिसको करने से आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लाभ होगा। चलिए जान लेते हैं आज के राशिफल के बारे में, आपके लिए किस तरह से आज का दिन क्या कुछ लेकर आया है। देखिए, आज का दिन आपके किसी भी तरह के तनाव से मुक्ति पाने के लिए जो आप प्रयास करेंगे उसको सफल बना देगा। दोपहर तक आपकी जो स्थितियाँ होंगी उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा और आप खुद पर और अधिक विश्वास करने लगेंगे। वैवाहिक जीवन भी आज आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय देखिए आपको अच्छे समय की अनुभूति होगी और इस समय अच्छे समय की अनुभूति में आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करेंगे। आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। व्यापार करने वाले लोगों का व्यापार पहले से ही अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा और देखिए जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उन्हें थोड़ा संयम यहाँ जरूर रखना है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी नोकझोंक की स्थितियाँ बन सकती हैं। किसी बात को लेकर बड़ी बहस हो सकती है, तो यहाँ पर बहस से आपको बचना होगा। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपको तैयार रहना है। आर्थिक स्थिति की हम अगर आपकी बात करें तो देखिए आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आपके सामने कई ऐसी चुनौतियां आएंगी लेकिन आप हर चुनौती को पार कर पाएंगे। कोई चुनौती आपके सामने टिक नहीं पाएगी। लोग आपके व्यवहार से काफ़ी प्रभावित होंगे। आपका व्यक्तित्व भी
काफी प्रभावशाली बना रहेगा, आपका व्यवहार भी प्रभावशाली होगा, साथ ही देखिए वाणी में भी आपकी निखार आएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके पास विचार मांगने आता है या आपकी सलाह मांगने आता है तो देखिए आपकी सलाह उसके बेहद काम आने वाली है। इस समय आप अपने सभी सोचे हुए कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे, साथ ही लाभ के प्रबल अवसर भी आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। देखिए आपके जो रुके हुए काम थे वो भी आज आसानी से पूरे हो जाएंगे। और अगर आपका कोई कानूनी विवाद चल रहा था तो देखिए सभी मामले में आज आपको सफलता देखने को मिलेगी। यदि आपने पहले से कुछ कहीं निवेश किया हुआ था तो उस निवेश का फायदा भी आज आपको प्राप्त होगा। यदि आप सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं तो आज के दिन आप अपनी समझ और अपनी कूटनीति से अपने काम निकलवाने में कामयाब होंगे। आज आप अपनी बातों को अच्छी तरह से अपने जो बॉस हैं, आपके अधिकारी हैं, उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो बातें हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। आज आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी और देखिए इस समय आपकी यही कूटनीति आपको आगे लेकर जाएगी। इसलिए अच्छी कूटनीति से आपको पेश आना है। आपके जो विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, व्यापार से जुड़े हुए शत्रु या फिर ऑफिस में आपके विरोधी हैं, क्योंकि तुला राशि के शत्रु बहुत अधिक होते हैं, समय समय पर आपको नीचा दिखाने की कोशिशें करते रहते हैं, समय समय पर आपका अपमान करने की कोशिशें करते हैं, आपको पीछे धकेलने की कोशिशें करते हैं। तो देखिए आप उन पर हावी होंगे, आप अपने काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ कर पाएंगे। और आप देखिए ये जो मेहनत है यह आपके लिए कई ऐसे रास्ते खोल सकती है जहां आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, जहां ऐसे कुछ लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आने वाले कल के लिए आपके फ़ायदेमंद साबित होंगे। और देखिए अगर स्वास्थ्य संबंधित आपको कुछ समस्याएं थीं तो इस समय आपके स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव होते हुए आपको दिखाई देंगे। आप इस दिन काफ़ी मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, शारीरिक रूप से भी आप फिट रहेंगे, परिवार में भी खुशियाँ आएंगी और इस दौरान आपके परिवार का माहौल भी काफ़ी खुशनुमा बना रहेगा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का साथ देंगे। तो देखिए परिवार में हंसी खुशी का माहौल है, सभी सदस्य एक दूसरे का साथ देते हुए हंसी खुशी का वातावरण बनाए रखेंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से हो सकती है और समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। और देखिए अगर आप किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो गरीबों की मदद करती है या आप किसी गरीब के काम में सहयोग देते हैं तो देखिए ये समय ऐसा होगा कि आपको एक और ऐसा मौका मिलेगा कि आप लोगों की सेवा कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे और उनके नाम पर आपको जाना जाएगा, आपकी पहचान बनेगी। इस समय आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखाई देगी। आपकी जो आत्मबल में बढ़ोतरी होगी इससे आपका मन भी सकारात्मक रहेगा। देखिए जब हम पॉजिटिव होते हैं तो अपने सभी कामों को हमें बड़े ही मन के साथ करते आए हैं, यानी जब हम पॉजिटिव होते हैं, हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं तो हम अपने सभी कामों को बड़े मन लगा कर करते हैं, सही दिशा में सही तरीके से करते हैं जिसमें हमें कामयाबी प्राप्त होती है। जी हाँ आपको बताते हैं इस दिन के लिए ऐसा रहने वाला है, आपके मन में सकारात्मकता बनी रहेगी जिससे कि आप अपना हर काम सही ढंग में सही दिशा से कर पाएंगे। और देखिए इससे आगे आने वाले दिन भी आपके लिए बहुत शानदार बने रहेंगे। परिवार में सुख मिलेगा, घर में मनोरंजन के में आप समय बिताएंगे, घर में कोई कार्यक्रम हो सकता है, शाम के समय आप बच्चों के साथ समय बिताते हुए नजर आएंगे, अपने माता पिता के साथ समय बिताएंगे। मित्रों समय हर तरह से अनुकूल आज आपके लिए बना हुआ है, लेकिन देखिए अगर हम आपकी माता की यहाँ पर बात करें तो माता की तरफ से स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। और अगर वो पहले से ही किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, तो अपनी माता की सेहत का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा ननिहाल पक्ष से आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, कोई खुशी की बात पता चल सकती है। मित्रों इस दिन आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे, बस आपको खुद को तरोताज़ा बना कर रखना है। आप कुछ पुरानी यादें भी आज ताज़ा कर सकते हैं। प्रेम जीवन में अपने जीवन साथी को लेकर आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, डिनर पे जा सकते हैं या फिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर आप अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं। प्रेम जीवन को आप एक नई दिशा नया रंग देने की कोशिश करेंगे जिसमें आपके रिश्तों में प्रगढ़ता देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अपने टारगेट की तरफ ध्यान देने का है, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जो आप कोशिशें कर रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए बताते हैं आज का विशेष उपाय, इस उपाय को आज आप जरूर करें। मित्रों इस समय
सुबह प्रातःकाल आप स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहीं पर 108 मरतबा ओम नमः शिवाय का जाप करें। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनि देव जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।